नमस्कार मेरा नाम है जतीन्द्र मोहन मिश्रा और मैं आप सब की इस संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूं। आज का जो पाठ का विषय है वो है ग्यारहवीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग एक का चौथा पाठ ऋतुचर्या इसका एक कड़ी इससे पहले हो चुका है आप सबने उसको देखा होगा और आज हम उसके दूसरे कड़ी का यहाँ दूसरे कड़ी को यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे यह पाठ जहाँ से संकलित है उस ग्रंथ का नाम है चरक संहिता जो चरक मुनि के द्वारा लगभग ईसा पूर्व 200 से 400 सौ के अंदर लिखा गया था और ये जो चरक मुनि हैं वो भारत के आयुर्वेद शास्त्र के प्रसिद्ध त्रिमुनि में से एक है वो त्रिमुनि कौन है चरक सुश्रुत और वाघ ये तीनों का नाम पूरा विश्व जानता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो विज्ञान है, वो भारत में इन्होंने हमें दिया था जिसको पूरा विश्व उसका आदर करता है भारत के आयुर्वेद पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है आधुनिक विज्ञान चाहे हमारे आ, मेडिकल साइंस कितने भी आगे बढ़े हो फिर भी उत्तम स्वास्थ्य हमें आयुर्वेद से जितना अच्छा मिलेगा वो हमें आधुनिक मेडिकल साइंस नहीं दे सकता है तो हम इस पाठ में जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए जिससे हमारा उत्तम स्वास्थ्य हमें मिलते रहे तो हेमंत ऋतु से शुरू किया गया था हेमंत के बाद शिशिर हुआ था और चरक मुनि कहते हैं हेमंत और शिशिर में खान पान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है तो इन दिनों क्या क्या खान पान हमारे होने चाहिए किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए उनका वर्जन करना चाहिए वो आप सबने पहली कड़ी में देखा था उसमें खास कुछ अच्छी बातें जो आपको याद रखने लायक है उसमें बता दें कि आपको इन चारों महीनों में यानी दोनों ऋतुओं में आपको गर्म पानी पीने चाहिए आपको मॉर्निंग वॉक करने चाहिए क्योंकि सुबह की ठंडी हवा आपके स्वास्थ्य के लिए इन समय में उत्तम है अब हम देखते हैं कि आचार्य चरक हमें आगे के ऋतुओं में क्या करने के लिए सलाह देते हैं अभी आता है वसंत ऋतु तो वसंत में क्या करना है कह रहे हैं वसंते निचिश्लेष्मा दिनकृद्भारी बाधते रोगान ततः प्रकुरते बहून तस्माद् वसंते वमना दीनिकारयेत् वमनादी गुर्वस्निग्ध मधुर दिवा स्वचिए तो क्या कह रहे हैं कि वसंते निचित श्लेष्मा वसंत ऋतु में निचित श्लेष्मा श्लेष्मा शब्द का अर्थ है कफ जो कफ हमारे निकलते हैं उसको श्लेष्मा कहते हैं कह कि निचित यानी वो संचित हुआ रहता है वो इकट्ठा हुआ रहता है हमारे छाती में वसंत ऋतु में कह रहे हैं कि दिनकृत भी ही दिनकृत भा भी ही दिनकृत दिनम करोती दिनकृत अर्थात दिनम कह करोती दिनम सूर्य करोती तरी सूर्य दिनकृत दिनकृत भा दिनकृत भा अर्थात सूर्य किरण भा शब्द का है रश्मि प्रकाश किरण तो कह रहे हैं कि सूर्य किरण दिनकृत भा भी ही सूर्य के किरणों से ईरी श्लेष्मा यह वसन्ते आसीत आसत वसंत ऋतु में जो इकट्ठा हुआ जमा हुआ कफ है वो सूर्य के द्वारा ईरिता अर्थात बढ़ जाता है कायाग्निम बाधते तो बढ़कर वो क्या करता है कायाग्नि यानी अग्नि काया शब्द का अर्थ है शरीर तो उसमें जो अग्नि है जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह कराता है शरीर को गर्म रखता है हमारे खाद्य को पाचन कराता है तो वो है कायाग्नि तो कह रहे हैं कायाग्निम बाधते कह श्लेष्मा श्लेषमाधते यानी कफ़ जो है जो वसंत ऋतु में जमा होता है सूर्य किरण प्राप्त होकर बढ़ जाता है और हमारे शरीर के अग्नि को ठंडा कर देता है यानी बाधते उसको उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालता है तथा रोगान प्रकृते बहुन बहुन रोगान प्रकृते फिर उसे क्या होता है कि अनेक रोग बढ़ते हैं प्रकृत यानी प्रकृष्टम करो करोती ज़्यादा कराता है रोगों को बढ़ाता है रोग ज़्यादा बनाता है हमारे शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं कफ के कारण वसंत ऋतु में और उसका कारण यही है कि सूर्य किरणों से वो कफ बढ़ता है और हमारे कायाग्नि को बाधित करता है कायाग्नि जो हमारे शरीर के सारी क्रिया प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रखता है उसको बाधित करने के कारण अनेक रोग बढ़ने लगते हैं ये है वसंत ऋतु की प्रकृति नेचर हमारे शरीर के ऊपर स्वाभाविक ढंग से ये होता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है हमें हमारी तबियत क्यों खराब होता है जब सीजन चेंज होता है हम कहते हैं कि जब सीजन चेंज होता है तो किसी को सर्दी खांसी जुकाम लग जाता है ऐसा क्यों होता है यहाँ पर आपको उसका उत्तर मिल जाता है क्योंकि उस समय ये स्वाभाविक है प्रकृति के नियमानुसार हमारे शरीर में उस समय कफ जम जाता है बढ़ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे में उसके लिए निराकरण क्या है कह रहे हैं कि तस्मात वसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत वसंत ऋतु में वमनादीनि कर्माणि कारयेत वमन इत्यादि कर्म को हमें करना चाहिए वमन शब्द का अर्थ है आप, आप सब जानते होंगे उल्टी करना वॉमिटिंग मुझे लगता है ये वॉमिट जो शब्द है अंग्रेजी का ये भी हमारे वमन से ही वमति वॉमिटिंग ऐसा शब्द बन जाता है तो इसी शब्द से संबंधित वो शब्द है वामिट उसका अगर हम ट्रेस करेंगे उसका रूट कहाँ पर होगा वमिट शब्द का तो यहाँ पर हमारे वमती शब्द से वो गया होगा तो देनी कर्माणि कारयेत कारयेत शब्द का वैसे यहाँ पर निजंत रूप है यानी कर प्रेरयेत किंतु हमें सामान्य अर्थ यहाँ लेना चाहिए कारयेत अर्थात कुरियात करना चाहिए क्या करना चाहिए वमनादीनी कुरिया वमनादिनी कर्माणी कर्म कह रहे हैं कि ये कर्म जो है ये कुछ यौगिक क्रियाएं हैं यहाँ कर्म शब्द का अर्थ काम नहीं है या कर्म शब्द का अर्थ व्याकरण के नियमानुसार करतूरी कर्म नहीं है कर्म यहाँ पर कुछ क्रियाएं कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं कई सारे क्रियाएं होते हैं योग में आप सबको देखने को मिल सकता है जैसे कि धौती नेत्री कौली ये वमनादि क्रियाएं हैं जिसमें आ, कुछ क्रिया होती है कि हम कपड़े को अंदर निगल लें और उसको घुमाकर कर निकालें वो भी एक क्रिया है उसको शायद धोती कहते हैं एक है नेत्री सब नेती एक है नासिका से आ, आ, पानी पीना या एक गड़ू से पानी भरकर दूसरे नास, नासा नशा छिद्र से निकालना तो ये सब कुछ क्रियाएं हैं शरीर के शुद्धिकरण क्रिया तो कह रहे हैं कि जब हमारे शरीर में कफ़ बढ़ जाता है तो उस समय हमें ये वमनादि कर्म करने चाहिए हमारे शरीर को शुद्ध कर देना चाहिए कफ से मुक्त कर देना चाहिए कब करना चाहिए ये वसंत ऋतु में ये सारे जो कर्म हैं जो शुद्धि कर्म हैं शरीर शरीर शुद्धि कर्म जो है वो हर मौसम में के लिए नहीं है किंतु वसंत ऋतु में करें तो ये बहुत उत्तम है उस समय आवश्यक भी है तस्मात वसंते कर्माणी वमनादीनिकारियेत और आगे क्या करना है कह रहे कि गुरु मधुरम चवर्जयेत कह रहे हैं कि वर्जयेत क्या वर्जन करना चाहिए आप यहाँ पर देखते होंगे कि हमारे जो मुनि हमें उपदेश देते हैं उसको दो प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्या करने के लिए कह रहे हैं क्या अच्छा है कह रहे हैं और क्या क्या त्याग करने के लिए कह रहे हैं जो हमारे लिए उस समय बुरा है तो किम वर्जयेत दिवा स्वप्नम वर्जयेत दिवा स्वप्न दिन में सपना देखना छोड़ देना चाहिए अर्थ क्या है दिन में हम सपना कैसे देखेंगे हम तो दिन में जगे रहते हैं तो कह रहे हैं कि अर्थात ये है कि हमें दिन में सोना नहीं चाहिए वसंत ऋतु में हमें दिन में नहीं सोना चाहिए दिन भर हमें एक्टिव रहना चाहिए हमें सक्रिय रहना चाहिए दिवा स्वप्नम वसंते वर्जयेत और किम किम वर्जयेत अन्यत किम किम वर्जिए कहने कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम स्निग्ध मधुरम गुरु अम्ल गुरु यानी गरिष्ठ भोजन अम्ल खट्टा भोजन स्निग्ध अर्थात ऑयली स्नेह युक्त यानी ज़्यादा तेल से युक्त तैलाक्त ऐसा भोजन और मधुरा भोजन में भी वर्जयेत तो इस समय हमें इन स्वादों का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए और दिन में सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए जब हम यहाँ पर चार ती, तीन प्रकार के स्वाद त्याग करते हैं अम्ला स्निग्ध अम्ला और मधुर दो प्रकार के स्वाद यहाँ पर त्याग करेंगे तो अर्थात हम बाकी चार प्रकार के स्वाद हम इस समय खाने चाहिए जैसे कि कषाय जैसे कि तिक्त उस समय आप कड़ुआ कसैला ये सब स्वाद हमें ज़्यादा खाना चाहिए खट्टा और मीठा नहीं खाना चाहिए जो इससे पहले के सीजन में कहा जा रहा था कि हेमंत और शिशिर में हमें खट्टा और मीठा ज़्यादा खाना चाहिए कटु तिक्त इत्यादि नहीं खाना चाहिए यहाँ पर विपरीत हो जाता है हमें इस समय अम्ल अर्थात खट्टा और मधुर अर्थात मीठा ये दोनों स्वाद ज़्यादा नहीं खाने चाहिए अर्थात बाकी स्वाद हमें लवण तिक्त कषाय ये स्वाद ज़्यादा हमें खाने चाहिए इस समय स्नेहयुक्त खाद्य नहीं खाने चाहिए जो इससे पिछले ऋतुओं में खाना चाहिए ऐसा कहा गया था स्निग्ध यानी स्नेहयुक्त ऑयली ऑयली फूड इस समय नहीं खाना चाहिए ठंडी के सीज़न में खाना चाहिए था आ, लेकिन वसंत ऋतु में नहीं खाना स्प्रिंग सीजन में नहीं खाना और इस समय उस समय गुरु भोजन करना चाहिए था अर्थात गरिष्ठ भोजन हैवी डाइट करना चाहिए किंतु वसंत ऋतु में हैवी डाइट नहीं लाइट डाइट करने चाहिए तो यहाँ पर क्या क्या वर्जन करने के लिए कहा गया पूरा लिस्ट है गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर ये हो गए भोजन के विशेषण यानी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए और ये स्वाद नहीं होना चाहिए अम्ल स्वाद नहीं होना चाहिए मधुर स्वाद नहीं होना चाहिए और तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्निग्ध नहीं होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है वसंत ऋतु में स्प्रिंग सीजन में आपको दिन में सोना नहीं चाहिए दिन भर हमें सक्रिय रहकर अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए चाहे उस समय भी मौसम बहुत सुहाना सुहावना होता है चारों तरफ के प्रकृति खिलखिलाए उठती है हमें वह उस समय दिन भर सक्रिय रहकर इस प्रकृति का भी आनंद लेना चाहिए और अपने काम करने चाहिए तो आपने ये सब देखा वसंत ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए पहले बताया गया हेमंत ऋतु का बाद में शिशिर का और वसंत का भी हुआ और वसंत के बाद आता है ग्रीष्म ऋतु इसका समय कब रहता है अंग्रेजी महीने के हिसाब से अगर समझ लीजिए हमारा शिशिर ऋतु है वो फेबरुअरी तक चलता है तो मार्च से शुरू होता है ग्रीष्म ऋतु और मार्च अप्रैल मई तक हमें ग्रीष्म का प्रभाव देखने को मिलता है दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु पहले आ जाता है और उत्तर भारत में थोड़ा देर से आता है किंतु तो ज़्यादा दिन तक टिका रहता है तो ग्रीष्म ऋतु में हमें हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए इसको देख सकते हैं मयूखीर्जगत स्नेह ग्रीष्म पेपीये रवि दुषीत द्रव स्निग्धम अन्नपनमें तदा कहें मयूख जगत स्नेह पेपीयते रवि रवि स्नेह पेपीये ये अर्थ है रवि सूर्य स्नेहम पेपीयते पेपीयते ये जो क्रियापद है इसका अर्थ होता है अतिशयेन पिबती पुनः पुनः पिबती ऐसे ये एक विशेष क्रियापद होता है कि अतिशयेन पिबती पेपीयते अर्थ क्या होगा कि रवि यानी सूर्य बहुत ही ज़्यादा पी लेता है स्नेह को यानी आर्द्रता को नमी को है ना वो हमारा ज, किसकी नमी को जगत स्नेह इस पूरे पृथ्वी के स्नेह यानी वो आर्द्रता को अतिशयेन न बहुत ज़्यादा पी लेते है यानी सूखा कर देता है चारों तरफ सूर्य जो है सूखा देता है कैसे मयूख है ही, ही मयूख शब्द का अर्थ है किरण रवि अपने मयूख से सूर्य अपने किरण से जगत स्नेह ग्रीष्मे पे पेपीयते ग्रीष्म ऋतु में जगत स्नेह पेपीयते रवि सूर्य पीकर सुखा देता है तब क्या करना चाहिए स्वादुषीत द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदा हित तदा अनपानम हित तब ऐसा अन्नपान हितकारी होता है हितकारक होता है जो स्वादु हो यानी अच्छे स्वाद से युक्त हो शीतम ठंडा हो ग्रीष्म ऋतु में हमें अपना भोजन ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए हमें ठंडा भोजन करना चाहिए उस समय आप आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक लस्सी छाछ इत्यादि अच्छे ठंडे खाद्य खा सकते हैं और द्रवम ज़्यादा लिक्विड आपको लेना चाहिए ताकि आपका हाइड्रेटेड रहना चाहिए आपका शरीर जैसे कि कहा कि सूर्य जो है अपने किरणों से पूरे जगत को सूखा देता है तो हमारा शरीर भी सूख जाता है इसलिए अधिक से अधिक द्रव लिक्विड हमें लेना चाहिए पीने चाहिए पानी छाछ इत्यादि हमें बहुत मात्रा में पीने चाहिए स्निग्धम हमारे भोजन में भी ऑयल ज़्यादा हो क्योंकि उस समय स्किन जो है वो रूखे सूखे हो जाते हैं चर्म हमारे तो अगर हम ऑयली फूड खाते हैं तेल घी इत्यादि मक्खन इत्यादि खाते हैं हमारा जो स्किन है उसका सही टोन रहेगा स्किन टोन सही रहेगा उसके लिए हमें गर्मी के सीजन में थोड़े ऑयली फूड खाने चाहिए यानी उस हमारे खाद्य में तेल घी आदि की मात्रा ठीक ठाक होनी चाहिए तो तब ऐसा अगर हम भोजन पान करते हैं तो चाहे कितनी भी गर्मी हो चाहे धरती कितनी भी सूख जाए हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा तो याद रहे उस समय स्वादु भोजन, होने भोजन होना चाहिए ठंडा भोजन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड होना चाहिए और भोजन में ऑयल होने चाहिए तेल होने चाहिए स्नेहायुक्त भोजन होने चाहिए ये ग्रीष्म ऋतु के प्रिस्क्रिप्शन है याद रखिए गर्मी के सीजन में इस प्रकार से भोजन हमारे होने चाहिए ऐसा चरक मुनि का कहना है कह रहे हैं कि घृतम पय घृतम पय सशाला भजन ग्रीष्मे नसीदति सीदति लवण आमलटूष्णा व्यायाम च विवर्जयेत कह रहे हैं कि ग्रीष्मे न सीदति यानी ग्रीष्म ऋतु में उस व्यक्ति को कष्ट नहीं होता है न सीधती यानी वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता है जो घृतम पय सशाली अन्नम भजन यानी जो इन चीज़ों का सेवन करता है वो ग्रीष्म काल में परेशान नहीं होता है न सीदती शब्द का है परेशान नहीं होता है अर्थात बीमार नहीं पड़ता है या उसको कष्ट नहीं होता है न सीदती कीदति यह घृत पय सशाली अन्नम भजती भजती शब्द है या भजन शब्द है सवम सेवन करता हुआ व्यक्ति न सीदती न आ घृत घी पय यानी दूध ग्रीष्म ऋतु में हमें घी भी खाने चाहिए ग्रीष्म ऋतु में हमें दूध भी पीने चाहिए और शशाल्य अन्नम ये एक विशेष प्रकार का अनाज होता है जिसको शाल्योदन कहा जाता है यूँ कह सकते हैं कि जो धान के जो चावल होते हैं लाल लाल बड़े बड़े चावल जो होते हैं एक विशेष प्रकार के चावल होते हैं उसका हमें भोजन करना चाहिए ऐसे करते हुए ग्रीष्म ऋतु में हमारा शरीर ज़्यादा पीड़ित नहीं होगा ठंडा रहेगा आराम से ग्रीष्म ऋतु निकल जाएगा कह रहे कि इसमें विवर्जित क्या होने चाहिए कह रहे हैं कि लवण अम्ल कटु और उष्ण इतने प्रकार के भोजन हमें छोड़ देने चाहिए यानी नमक ज़्यादा नहीं खाने चाहिए गर्मी के सीजन में अम्ल यानी खट्टा स्वाद नहीं खाना चाहिए कटु कड़वा चीज़ नहीं खाना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में और उष्ण गर्म चीज़ें भी नहीं खाना चाहिए जैसे गर्म चाय गर्म कॉफ़ी या जो खाद्य हमारे शरीर को ज़्यादा गर्म करता है वो नहीं खाना चाहिए और व्यायाम च विवर्जयेत, व्यायाम को भी छोड़ देना चाहिए उस समय हम अपने शरीर को ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए हम कम से कम अपने शरीर शारीरिक क्रिया करके हमें गर्मी के सीजन ख़त्म करना चाहिए और अच्छा व्यायाम तो करना चाहिए ठंडी के सीज़न में ताकि हमारे शरीर में गर्माहट हो जब बाहर ज़्यादा तापमान होता है हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए और हमारा जो अभी का कन्वेंशन है शायद उससे थोड़ा अलग पड़ता है चरक शास्त्र का जो प्रिस्क्रिप्शन है जैसे कि हम गर्मी के सीजन में ज़्यादा ऑयली फूड अवॉइड करते हैं हमें लगता है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा किंतु चरक का मानना है कि गर्मी के सीजन में आप खुलकर घी खाइए दूध पीजिए इससे आपका शरीर को नुकसान नहीं होगा फायदा ही होगा तो मुझे लगता है मुझे तो ज़्यादा विश्वास हमारे आयुर्वेद शास्त्र के ऊपर है तो हमें लगता है कि आधुनिक विज्ञान भले ही ना मानता हो आ, हम घी को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए घी हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपकारक है अब अगला श्लोक देखते हैं तो इस प्रकार आप सबने देखा कि हमें वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में हमारी दिनचर्या कैसे हो और हम आ, क्या क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए और किस किस चीज़ का हमें वर्जन करना चाहिए इस प्रकार इस कड़ी में आपके दो ऋतुओं की चर्या ऋतुचर्या के दो ऋतु हमारे ख़त्म होते हैं अगले कड़ी में हम और दो ऋतुओं का पाठ करेंगे और वे रहेंगे वर्षा और शरद तब तक के लिए हम यहीं विराम करते हैं मिलते हैं अगले कड़ी में धन्यवाद